Hello students, continuing your chapter 3 of semiconductor diodes, now we will be taking the next portion, that is VI characteristics of PN junction. VI characteristics का मतलब ये है कि किसी भी component में आप voltage देने हैं तो वो जो component है वो current बढ़ता है या घटता है, मतलब यानी कि वो behavior पर देखना होता है. ये circuit diagram हैगा एक diode का VI characteristics देखने लिए. तो इतने आ सप्लाई लगी हुई है, सप्लाई नू आप वेरी करन ले पोटेंशियोमीटर लगाता जिसे थ्रू वेरिएबल सप्लाई आएगी, करंट मीटर लग्या होया, एक वोल्टेज मीटर लग वोल्टेज नापन ले वोल्ट मीटर लग्या होया, वोल्ट मीटर इधर पैरेलल चुंदा है, करंट मीटर इधर सीरीज चुंदा है टू मेजर द करंट. नो जब आप इस नू फॉरवर्ड बायस करांगे, हुन कहन दी लोड़ नहीं कि फॉरवर्ड बायस किवें करीदा हुंदा है, डायोड नू फॉरवर्ड बायस करन ले पी टाइप पॉजिटिव नाल एन टाइप नैगेटिव नाल. तो फॉरवर्ड बायस की होंगे कि जैसे ही तुम वोल्टेज में इनक्रीज करते हो शुरू के करंट जोड़ा है बहुत घट बढ़ता है, घट कितने तक बढ़ेगा 0.7 वोल्ट तक घट बढ़ेगा, क्योंकि उस वे जो माइनोरिटी कैरियर से मूव करेंगे उस वे करंट जोड़ा बहुत ही घट माइक्रो एम्पीयर होंगे. जब तक आप 0.7 वोल्टेज ओवरकम नहीं करेंगे जब तक करंट जोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. इतने तो लैके इतने तक जी करव हैगी जी 0.7 वोल्टेज वोल्ट तक करव होंगी है वह नॉन लीनियर होंगी है. जब 0.7 नी वोल्टेज ओवरकम हो जाती है डिप्लीशन लेयर की 0.7 ओवरकम हो जाती है, उस तो बाद की होंगे उस तो बाद जो इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने एनर्जी मिल जाती है, तो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े है वह क्रिस्टल के एटम्स के ना कोलाइड करते हैं, एक इलैक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलैक्ट्रॉन ना कोलाइड नॉक करता तो उन्होंने बाहर कढ़ दिता, एक ने दो बार कढ़े दो ने चार बार कढ़े, इस तरह यह प्रोसैस जोड़ा एक कॉमुलेटिव प्रोसैस हो जाता है, एक इलैक्ट्रॉन तो दो निकले दो तो चार निकले करंट बढ़ जाता है. इस 0.7 वोल्टेज वोल्ट जी है इनू नी वोल्टेज कहते हैं, इनू कहें नी वोल्टेज. इस तो बाद जोड़ा है डायोड है वो एक तरह ना रजिस्टर की तरह बिहेव करता है. रजिस्टर की होंगे जमें आप माड़ा जी वोल्टेज बढ़ावे तो करंट वो बढ़ता है. ये जरा प्रोसैस है ऑफ नॉकिंग ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स एंड इज ए कॉमुलेटिव प्रोसैस, इनू कहते आप एवलांच ब्रेकडाउन. फॉरवर्ड बायस से जब डायोड से करंट बढ़ता है तो उन्होंने आप एवलांच ब्रेकडाउन करने, जब रिवर्स बायस से करंट बढ़ता है तो उन्होंने आप कहने जीनर ब्रेकडाउन. तो एवलांच ब्रेकडाउन जोड़ा है वह फॉरवर्ड बायस होगा, इस तो बाद नी वोल्टेज तो बाद एक तरह ना रजिस्टर की तरह बिहेव कर लग जाता. सो दिस वॉज ऑल इन ऑल ऑफ फॉरवर्ड बायस एज वेल एज द रिवर्स बायस इज कंसर्न. जब आप डायोड में रिवर्स बायस करते हैं उल्टे कनैक्शन दे देने, आप बैटरी के कनैक्शन उल्टे कर दें तो होंगे करंट जो बहुत ही घट आता है, क्योंकि वह सिर्फ माइनोरिटी कैरियरस फ्लो करते, काफ़ी दूर तक घट ही करंट फ्लो करना, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता वह काफ़ी दूर तक, उस तो बाद जो है कुछ वोल्टेज काफ़ी दूर तक वोल्टेज जाने तो बाद ब्रेकडाउन होंगे. वो अंदर की होंगे कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स होंगे वो हाई इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर उन्होंने वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो वो एक दूजे न जोड़ा है एनर्जी दे करके उन्होंने वो फ्लो कर लग जाते, हाई काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बढ़ जाती है, तो वो एक इलैक्ट्रॉन जोड़ा दूसरे इलैक्ट्रॉन नॉक ऑफ करके वो इस तरह जोड़ा है रिवर्स ब्रेकडाउन करता है. तो रिवर्स ब्रेकडाउन जी है बेसिकली वो होंगी है रिवर्स बायस के अंदर, ये जीनर डायोड के अंदर होंगी है, ये पीएन जंक्शन डायोड के अंदर होंगी है. नैक्सट नौ दो तरीके की मैकेनिज्म होंगी है, जिसमें कि आप पढ़िया एवलांच मैकेनिज्म होंगी है, एवलांच मैकेनिज्म होंगी है फॉरवर्ड बायस के अंदर, जीनर डायोड के अंदर जीनर ब्रेकडाउन होंगी है वो होंगी है जी रिवर्स बायस के अंदर. जीनर ब्रेकडाउन बेसिकली की होंगे कि जी इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, जी इलैक्ट्रिक फील्ड है जो डिप्लीशन लेयर जी है वो काफ़ी घट हो जाती है, डिप्लीशन लेयर काफ़ी घट हो जाती है, तो घट होने के कारण जी है वो इलैक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, इलैक्ट्रिक फील्ड बढ़न के नाल जी है डायोड जी है ब्रेकडाउन चली जाती है. जे जो फॉरवर्ड बायस की ब्रेकडाउन होंगी है वो जरा डायोड जी डैमेज नहीं हो डैमेज हो जाएगी सॉरी, और जीनर ब्रेकडाउन के अंदर डैमेज नहीं होंगी. Now we will be taking the zener diode, a special type of diode that is called zener diode. अब zener diode एक ऐसी diode है जिन्हों आप रिवर्स बायस डायोड जोड़ा है, एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जी कि करंट में एक पासे फ्लो करवाती है, ऑफकोर्स पीएन जंक्शन भी एक पासे फ्लो करवाती है,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ 'ਚ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ। ਨਾ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸੋਰਸ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੇਗੀ, ਸੋਰਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਲਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕੇਅਰ ਵੇਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ 'ਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਓਡ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ। ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਇਓਡ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਾਇਓਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਈਟ ਅਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਜਦ ਇਹਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਜਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਲਾਈਟ ਐਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐੱਲ ਈ ਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ ਹੈ, ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੇਗਾ, ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਓਡ ਹੋਏਗੀ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ। ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਪੈਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਬਾਈ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਵਰਕਸ ਐਜ ਏ ਕਪੈਸਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਪੈਸਟੈਂਸ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਵੋਲਟੇਜ। How do we change the voltage and with the voltage how do we change the capacitance? That is clear from this formula, C is equal to epsilon A by D. ठीक है, जड़ी depletion width है ना that will be directly proportional to the under root of voltage. Next जड़ी है D नू अपर रिप्लेस करता under root of voltage ना। ਸੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਪੈਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਵੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬੜਾਵਾਂਗੇ ਕਪੈਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਫੋਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸੋ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰੋ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਫਕੋਰਸ ਟਰਮੀਨਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨੋਡਨ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਵਲਾਂਚੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਐਵਲਾਂਚੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਨਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਆਫਕੋਰਸ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਜ਼ੀਨਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਐਂਡ ਐਵਲਾਂਚੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਟੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ। ਇਹ ਏ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ +5 ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ -5 ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀ ਸੀ।
of course this is DC, this is AC. This is DC, this is AC. AC के अंदर positive half cycle, negative half cycle होता है, bidirectional होती है. Rectifiers है, rectifiers basically की है ना कि अपना AC नू DC च convert करना. AC नू जब अपना DC च convert करना है, कहने का मतलब ये है कि अपना bidirectional नू unidirectional च convert करना, उधर ले जरा element use होता है ना, that is diode. इसलिए diode बहुत important एलीमेंट मनिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि डायोड कई काम करती है. डायोड जी है वह एसी नू डीसी च कन्वर्ट करेगी. दो तरीके के रैक्टीफायर होंगे अपने, हाफ वेव रैक्टीफायर होंगे तो फुल वेव रैक्टीफायर होंगे. इस वेले जो सर्किट डायग्राम बनया हुआ है यह हाफ वेव रैक्टीफायर का. हाफ वेव रैक्टीफायर से आप इतने एसी दिती, जब आप एसी देवे उपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नैगेटिव हो गया. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा उत्ते वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नैगेटिव हो गया. जब उत्ते वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, तो डायोड होगी फॉरवर्ड बायस, करंट आ जाएगा. जब यदि उल्टी पोलैरिटी, जानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, वो अंदर की होंगे उपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, फिर डायोड होगी रिवर्स बायस. यानी कि नैगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये करंट नहीं आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये करंट आएगा. सो यू गैट द आउटपुट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नैगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई इज रिमूव्ड बाय हाफ वेव रैक्टीफायर. जिमें कि आप इतने वेवफॉर्म च देखा, आप देखते हैं कि एक डायोड लगी हुई है, रजिस्टेंस लगे एज ए लोड आ सप्लाई है. जब तुम इन वेवफॉर्म दिती, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, उस वे डायोड फॉरवर्ड बायस आएगी, आउटपुट आ जाएगी लोड के क्रॉस. जब तुम इन नैगेटिव हाफ साइकिल देने, उस वे डायोड जो रिवर्स बायस हो जाएगी, यू विल नॉट गैट द नैगेटिव हाफ साइकिल. नाउ दिस इज फुल वेव रैक्टीफायर. फुल वेव रैक्टीफायर च की होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान भी आउटपुट आएगी, तो नैगेटिव हाफ साइकिल ये अंदर की होंगे. फुल वेव रैक्टीफायर आप दो डायोड लगाती, एक पॉजिटिव वाली लगाती, एक नैगेटिव वाली लगाती, विच हैगा थोड़ा लोड. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आ वाली डायोड फॉरवर्ड बायस आ जाएगी, तो भी आउटपुट आ जाएगी. जब नैगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आ वाली डायोड फॉरवर्ड बायस आ जाएगी, आ रिवर्स बायस हो जाएगी, तो तद भी आउटपुट आ जाएगी. यानी कि सानू कंप्लीट आउटपुट लैन लई फुल वेव रैक्टीफायर यूज करना. जबकि हाफ वेव रैक्टीफायर के अंदर एको ही डायोड यूज होंगी है, फुल वेव रैक्टीफायर के अंदर दो डायोड्स यूज होंगी है. सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ए वाली डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, आउटपुट आ गई. आ वाली आउटपुट जी पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली, आ वाली नैगेटिव हाफ साइकिल, जो नैगेटिव हाफ साइकिल आया, आ वाली डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, आ रिवर्स बायस होगी, आउटपुट इधरों आ जाएगी. तो दोनों साइकिल्स तो आप आउटपुट आ जाती फुल वेव की, जबकि हाफ वेव की सिर्फ एक साइकिल से आती है, नैगेटिव हाफ साइकिल रिमूव हो जाती. लिखा हुआ है सारा कुछ, आ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कितों आ गई. सो फुल वेव रैक्टीफायर दो तरीके के रैक्टीफायर होंगे. फुल वेव एक सेंटर टैप होंगे, एक ब्रिज रैक्टीफायर होंगे. सेंटर टैप च की होंगे कि आप दो डायोड्स लगा दें, तो एक ट्रांसफॉर्मर लगाने. ट्रांसफॉर्मर आपू इसलिए लगाना पैदा कि एक पासे आप जब डायोड में उपर वाली डायोड में फॉरवर्ड बायस करना, तो निचली डायोड में रिवर्स बायस करना उस वेले, तो वाइस वर्सा. यानी कि उपरली रिवर्स बायस करना उस वेले, तो निचली फॉरवर्ड बायस करना. आप सेंटर टैप रैक्टीफायर के अंदर की है, दो डायोड्स लगाई हुई हैं, तो एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है. सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की करता, जिमें सप्लाई आई तो उन्होंने दो हिस्सों से वंड दिता है, इनू पॉजिटिव और नैगेटिव. जब पॉजिटिव नैगेटिव उपर वाली नू चली जाती है, तो फॉरवर्ड बायस हो जाती है. उस वेले आ फॉरवर्ड बायस जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट आ गई. जिस वेले इनू नैगेटिव इनू पॉजिटिव करता, ओपोजिट पोलैरिटी दिता है, तो निचली वाली फॉरवर्ड बायस डायोड हो जाती है, तो उपर वाली रिवर्स बायस हो जाती है. उस वेले जी है आ वाली जी आउटपुट है वह निचली डायोड की आ गई, तो कंबाइन टूगैदर आउटपुट आ गई अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अपन यह जी आउटपुट मिल जाती है फुल वेव रैक्टीफिकेशन. लेकिन सेंटर टैप रैक्टीफायर के अंदर एक प्रॉब्लम सानू यह आती है कि जो ट्रांसफार्मर लगाना पैंता है टू डिवाइड द इनपुट सप्लाई इंटू टू पार्ट्स, वो काफ़ी कॉस्टली होंगे. इसलिए यदि कॉस्ट काफ़ी बच जाती है सेंटर टैप रैक्टीफायर की. जी कॉस्ट को घटाने लिए आप नैक्सट जो रैक्टीफायर यूज करते हैं वह हैगा
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर और दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर इज ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर की होंगी है जी प्रॉब्लम साड़ी वो अंदर सेंटर टैप च आई सी जी कि ट्रांसफार्मर न यूज़ कर रिमूव हो जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आप चार डायोड्स लगाने चार डायोड्स न ब्रिज कॉन्फिगेशन दें यानी कि ऑपोजिट साइड दो डायोड ऑपोजिट साइड दो डायोड ऑपोजिट साइड बिच लोड लगे हुआ। ये अंदर की होंगे जब आप ए सी सप्लाई दें ना ये अंदर पॉजिटिव साइकिल के दौरान आ वाली दोनों डायोड्स कंडक्ट कर ऑपोजिट साइड डायोड्स कंडक्ट कर और नैगेटिव हाफ साइकिल के अंदर आ दो डायोड्स कंडक्ट कर दो डायोड्स कंडक्ट नहीं कर इस तरीके साढ़े को पॉजिटिव हाफ साइकिल भी डीसी कन्वर्ट हो जाता तो नैगेटिव हाफ साइकिल भी डीसी कन्वर्ट हो जाता तो सानू ट्रांसफार्मर भी लगाने की लड़ नहीं पैंती। सिलिकन की डायोड्स जो तो काफ़ी चीप होंगी है इसलिए जी कॉस्ट है ना ब्रिज रेक्टिफायर की कॉस्ट एज कंपेयर टू सेंटर टैप इज़ वेरी लैस क्योंकि सेंटर टैप के अंदर सानू ट्रांसफार्मर लगाने की लड़ पैंती है। हम इतने आप डिस्कस करांगे सो मैरिट्स एंड डीमेरिट्स इज वेरी क्लीयर ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर दैट वी डोंट नीड ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज वेरी कॉस्टली सो द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफायर गोज अप वेयर एज द सिलिकॉन डायोड्स नंबर ऑफ सिलिकॉन डायोड्स इन्वॉल्व इन बोथ बोथ द रेक्टिफायर्स आर फोर एंड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नीड्स ओनली टू डायोड्स वेयर एज द ब्रिज रेक्टिफायर नीड्स फोर डायोड्स इवन देन यू नो सिलिकॉन डायोड्स बींग चीपर देन द ट्रांसफार्मर वी प्रेफर द ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्फिगेशन ओवर द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़ मोर एडवांटेजेस ओवर द सेंटर टैप। सो दिस वॉज ऑल इन ऑल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर तुम्हें दो तरीके के रेक्टिफायर पढ़े फुल वेव रेक्टिफायर से कि एक सेंटर टैप पढ़िया तो एक ब्रिज पढ़िया। आप लाइन रिमूव कर